बहुत गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, और मेरे 2-3 दिन से ना तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैं ना सुबह में जैसे ही मैं यूट्यूब पे खोली तो देखी कि मनोज देव के बारे में तो आप लोग सभी को जानते ही होंगे, जो कि 17 साल में वो यूट्यूब स्टार्ट किए थे, आज कहां से कहां वो पहुंच गए हैं। और सिर्फ यूट्यूब के पैसे से आज देखिए कितने अच्छे से आज पार्टी रिसेप्शन किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा। वो तो सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इतने अच्छा से रिसेप्शन पार्टी हम दे पाएंगे। और जो कि उनका शादी हुआ है मनोज देव के साथ शादी हुआ है ज्योति श्री देव, तो वो उनकी धर्मपत्नी बन चुकी है, जो कि मैं पिछला ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी। मनोज देव की शादी हो चुकी है, जो कि बाहर में वो शादी किए थे, तो उन्हीं का रिसेप्शन पार्टी 9 तारीख को था। लेकिन मैं ब्लॉग आज दिखा रही हूँ, और ना ये मैं ब्लॉग व्यूज कमाने के लिए, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अपना ब्लॉग में ना ये व्यूज कमाने के लिए मैं बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। बस मैं आप लोग को ये बताने के लिए ये ब्लॉग बनाई हूँ कि देखिए यूट्यूब के पैसे से आदमी क्या से क्या हो जाते हैं। अब मनोज देव देखिए कल क्या थे और आज क्या है, और उसी तरह आप देख सकते हैं विजय रिया जी आज कहाँ थे और अभी कहाँ पहुँच गया है। और उसी तरह से फिर और एक है डांसर सनातन, जो हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर मनोज देव हो गए, डांसर सनातन हो गए, विजय रिया हो गए, रंगीला फैमिली हो गए, तो ये सबको देख सकते हैं कि एक छोटे से नीचे फैमिली के थे, लेकिन आज वो यूट्यूब के पैसे से कहां पहुंच गए हैं। तो ये मैं जब देखी ना तो मेरे आंख के फड़े फड़े रह गए कि इतने अच्छे रिसेप्शन पार्टी, जो कि बड़े बड़े लोग भी इतने अच्छे से रिसेप्शन पार्टी नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग प्लीज मेरा ब्लॉग देखिए और देखिए कि कैसे उनका रिसेप्शन पार्टी हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगा रिसेप्शन पार्टी देख के। तो आप लोग भी देख के एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो ये कैसा लगा। और देख सकते हैं यूट्यूब के पैसे से इतना बड़ा पार्टी करना बहुत ही अच्छा लगा देख के, कि यूट्यूब के पैसे से आज लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और वो अच्छे से अच्छे अपने भविष्य भी देख रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी यूट्यूब जो भी नई बनाए हैं तो वो भी यूट्यूब पे मेहनत कीजिए और ब्लॉग बनाइए। लेकिन हाँ, यूट्यूब भी एक किस्मत की तरह होती है, जिनका ये यूट्यूब पे किस्मत चमक गए वो तो समझिए कि वो अमीर ही बन गया, जिनकी किस्मत नहीं चमके वो तो अभी लोही में है। जैसे कि मेरा 2 साल हो गया, लेकिन मैं भी अपने यूट्यूब पे कुछ भी अभी तक इनकम नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूँ। तो जो बड़े लोग रहते हैं तो वो तो कुछ भी डाल देते हैं तो वो वायरल हो ही जाते हैं, लेकिन हम छोटे लोग को कोई देखना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत उनका वीडियो डाल रही हूँ ताकि मैं भी कुछ मुझे सपोर्ट मिल जाए। तो प्लीज आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, फुल मेरा ब्लॉग वीडियो वॉच कीजिए। तो चलिए मेरे ब्लॉग में आप लोग देखिए कि मेरा रिसेप्शन पार्टी कैसा हुआ। बहुत सारे लोग तो देख ही चुके हैं, लेकिन मेरे जो ब्लॉग के थ्रू अगर नहीं किसी ने देखा है तो उनको भी देख लीजिए आप लोग। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए आप लोग, और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ब्लॉग, तो ये देखिए जिस होटल में ना मनोज भैया और ज्योति भाभी का आज रिसेप्शन पार्टी होने वाला है, तो कुछ इस तरह से ना बाहर का व्यू दिखता है। और होटल दूर से ही देखिए कितने अच्छे सजावट की गई है, कि दूर से ही दिख जाते हैं कि आज यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी है। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर के सारे गाड़ियाँ भी है, और इस पार्टी में ना बड़े से बड़े यूट्यूबर भी आए हुए थे। तो यहाँ पे बाहर में देखिए कुछ इस तरह से गेट बनाया गया है अंदर एंट्री करने के लिए, और यहाँ पे ना देखिए कुछ लड़कियाँ स्वागत करने के लिए फूल लेके खड़ी है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, सबसे ज़्यादा शादी वाला जो फोटो है ना मनोज भाई और ज्योति भाभी का, तो वो फर्स्ट में लगाया गया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से दिखते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बस अंदर अब पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। और कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू दिख रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और देख के यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा भीड़ है। और ये इधर रहा मनोज भाई और ज्योति भाभी अभी अंदर में ही है, तो ये लोग अभी पार्टी के लिए यहाँ से निकलने ही वाले हैं। तो यहाँ पे निकलने के लिए ये सब रेडी हो के कुछ ही देर में अब निकल जाएंगे। और ना
थोड़ा मनोज देव को ना पहले से ही पता था कि इस पार्टी में ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ होने वाले हैं, क्योंकि सारे यूट्यूबर आए हुए थे। इस कारण से ना यहाँ पे देख सकते हैं बॉडीगार्ड भी रख लिए, ताकि इस भीड़ में ना उनको कुछ कोई तंग ना करे, इसलिए ये बॉडीगार्ड रख लिए हैं। और ये देखिए, ये सब तो सारे पैसा का कमाल है। आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा मनोज देव अभी कमा रहे हैं पैसा, इस कारण से ये इतने सारा चीज़ कर रहे रिसेप्शन पार्टी में और बॉडीगार्ड ये सब। तो आप देख ही सकते हैं, मैं तो झूठ हो सके आप लोगों को लगता हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये आप देख के ही बता सकते हैं कि कितने ज़्यादा मनोज देव कमाते हैं पैसा। और इनका तो बहुत सारा चैनल भी है ना, 5-6 चैनल हो जाते हैं, ब्लॉग चैनल भी है, टेक चैनल भी है, और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और कुछ इस तरह से देखिए, जैसे ही उनका एंट्री हुआ ना, तो यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया सिर्फ सारे ब्लॉग बनाने के लिए और रील्स बनाने के लिए। इतने ज़्यादा यहाँ पे यूट्यूबर आ ही गए थे कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे हो रही है इनकी वेलकम, जो काफ़ी अच्छे से वेलकम यहाँ पे हो गई है, और अभी स्टेज पे चढ़ गए हैं, तो यहाँ पे फोटो वगैरह शूट अभी हो ही रहे हैं। और यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, देख सकते हैं आप। और ना इस पार्टी में ना आप देख सकते हैं खाने के आइटम कितने सारे हैं, आप जो भी खा सकते हैं, चाट, चाउमीन, गुपचुप, मतलब जितने भी सारे हैं सारे आइटम थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये बड़े बड़े लोग को तो हवे निकल जाते हैं इतने सारे बड़ा पार्टी देने के लिए। तो आप सोच सकते हैं मनोज देव कितने अच्छे से पार्टी दिए, रिसेप्शन पार्टी, ये देख सकते हैं, खाना देख के बहुत ही अच्छा लगा देख के। और आप खुद देखिए कि खाने में कितने सारे आइटम हैं, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे मनोज देव कि हम इतने सारे आइटम रखेंगे शादी पार्टी और इतना बड़ा रिसेप्शन पार्टी रखेंगे। तो ये देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे आइटम है, जो भी आप खा सकते हैं वो सारा चीज़ है यहाँ पे। और इधर देखिए ज्योति श्री के पापा यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, और ये भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोग तो अभी बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। और यहाँ पे ना सारे चीज़ व्यवस्था है, यहाँ पे डीजे वगैरह सारा कुछ भी लगा हुआ था, एक साइड स्टेज बना हुआ था, एक साइड यहाँ पे डीजे वगैरह लगा हुआ था, जो काफ़ी सभी को फुल मस्ती किए हैं, बच्चे से लेकर यहाँ पे महिलाएं भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे खूब सारे डांस मस्ती किए हैं, और अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी भी भीड़ है। और ना ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्योति श्री और मनोज देव कितने प्यारे लग रहे हैं, तो मनोज देव और ज्योति श्री को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ना फ्रेंड, इस जो पार्टी में ना खर्चे हमको तो लगभग लग रहे हैं कि इसमें तो 10 लाख या तो 20 लाख भी हो गया है, 50 लाख भी हो गया हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा पार्टी हुआ है। और मुझे विश्वास नहीं लग रहा है कि यूट्यूब के पैसे से इतने सारे पार्टी, आप भी सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा YouTube में पैसा इनकम होते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत ही अच्छा लगा रिसेप्शन पार्टी आप लोग को भी, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो और मनोज देव के मम्मी पापा जो है वो तो बहुत ज्यादा ही खुश है, और पहले नाराज थे लेकिन अब बहुत ज्यादा ही खुश है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनके अपने पैर पे खड़े भी हो गए और बहुत सारे पैसा भी कमाते हैं, तो नाराजगी किस बात की। तो उनके मम्मी पापा भी मान गए, और ज्योति श्री के जो मम्मी पापा है वो तो पहले से ही खुश है, तो दोनों फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा ही खुशी था, इसलिए और भी ज्यादा रिसेप्शन पार्टी और भी अच्छा लगा, क्योंकि एक तरफ से नाराजगी रहती तो उन लोगों का एक भी चेहरा मुस्कान वैसा नहीं होता, लेकिन दोनों की फैमिली की तरफ से बहुत ही अच्छा सा उन लोग का मान गए हैं, इसलिए अच्छा से रिसेप्शन भी पार्टी हुआ। तो फ्रेंड, मैं अपना ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा लंबे हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आज कैसा लगा। तो मिलती है अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।